धन्यवाद है और हम शुक्रिया अदा करते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हमारे राजीव खजूरिया जी, जिस जगह पर आज हम खड़े हुए हैं आप लोग भी यहाँ अच्छी तरीके जानते हैं कि जिस ठेकेदार ने यहाँ काम किया था उसने काम तो किया है, लेकिन वहां से लेकर यहाँ तक एक बहुत बड़ा गड्ढा था जो आए दिन यहाँ से जो गाड़ियां निकलती थी, खासकर स्कूल की बसें, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बसें बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकलती थी। ये एक हमारा हिल्टन ब्रिज है जो लाइफ लाइन है हमारे टाउन की, और मेरे सामने एक गाड़ी यहाँ बीच गड्ढे में गिरी और दो दिन यहाँ अटकी रही। कई बार लोगों ने ये इस सबसे म्यूनिसिपल कमेटी से भी बात की और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, भाई इस गड्ढे को उस ठेकेदार को बोलो कि ये गड्ढा पूरा भर के जाए, किसी ने ध्यान ही दिया। चार दिन पहले हमारा एक डेपोटेशन एडिशन डीसी जनाब राजीव खजूरिया के साथ मिला, क्योंकि हम इस एरिया के रहने वाले आज यहाँ से निकलते हैं, और एक ये बात बड़ी चुप थी कि भाई इतना बड़ा ये रोड है हमारी, आए दिन यहाँ हजारों गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन किसी को ये परवाह नहीं कि भाई ये गड्ढा क्यों नहीं भर रहा, जबकि इसकी पेमेंट हुई हुई है। जब एडिशन डीसी ने ये बात सुनी उन्होंने इस चीज को बड़ा सीरियस लिया, और उसी वक्त बैठे हुए उसने आरएनबी एक्सचेंज को फोन किया कि आपके पास दो दिन है वहां विजिट करो और इतना खतरनाक गड्ढा क्यों छोड़ा हुआ है। दो दिन के बाद मैं ये समझता हूं कि वाकई जोरी के अंदर गवर्नमेंट है, दो दिन के बाद एक बेहतरीन काम किया, ये गड्ढा भर गया। अब गाड़ियां बड़ी स्मूथली निकलती हैं, कोई गाड़ी नहीं यहाँ नहीं रुकती, ये तो बहुत बुरा हाल था। एक तरफ और है, यहाँ पर हमारे संजीव जी इसको ब्रीफिंग करेंगे कि थोड़ा सा काम अभी है। राजीव खजूरिया साहब से कि ये काम भी सीधा उगा देखिए, जहाँ से गाड़ी जब नीचे जाती है उसका नीचे वाला पोर्शन वो टच करता है टाइलों के साथ, किसी भी गाड़ी वहां ब्रेक हो सकती है। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमेशा लोगों की आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पर जाते हो और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है। मैं एक बार फिर ये जितने हमारे साथी हैं आप देखिए जहाँ से कितनी बसें कितनी गाड़ियां निकलती हैं, आज मेरा मन खुश हुआ कि ये एक छोटा सा काम था जो इग्नोर किया गया था। एडिशनल डिप्टी हमारे राजीव खजूरिया साहब ने जब उनका नोटिस में आया उन्होंने दो दिन के अंदर यह काम किया, मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद करता हूं। और जो रजौरी के जो यहां पे इस मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, जो गाड़ियां चलती हैं यहां पे, और सौ के हिसाब से लोगों ने मुझे, मेरा ये खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे साथ खुद उन लोगों ने बात की कि ये बहुत बड़ा भले का काम किया है। यहां पे 3 फुट गड़ा था यहाँ पे नीचे, 1.5 साल से पिछले जो बड़ा नहीं जा रहा था। एडिशनल डीसी साहब ने एक्सियन साहब से बात की पीडब्ल्यूडी से, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एडिशनल डीसी साहब के कहने पे ये गड्ढा पड़ा है, और हम एडिशनल डीसी साहब का एक बार फिर इस पूरे मुल्ले की तरफ से, पूरी रजौरी की तरफ, शहर की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। एक अभी एक हमें एडिशनल डीसी साहब से एक और रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम के थ्रू कि ये जो नीचे ये देखिए सामने जो है रोड, यहाँ पे भी एक डाइवर्शन है, यहाँ पे भी गाड़ियाँ जो भी आती हैं वो टच होती हैं, डैमेज होती हैं गाड़ियाँ, वो लोग बहुत परेशान हैं इसकी वजह से भी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पड़ता है, ये जो है एक्सियन साहब के पास ही पड़ता है, पीडब्ल्यूडी साहब के पास, उनसे बात करके ये इसकी तरफ भी प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी तरफ भी उनको ध्यान दें, इस रोड की तरफ भी जो CEO ऑफिस की तरफ जाती है। तो यहाँ पे 5-6 जगह पे, एक जगह पे नहीं गड्ढा था, यहाँ पे ये सामने है ये